How did you land up in India first? Was there anything specially what you did had to do to clear your CDS or SSB and NDA entrance and all? Just quick one. Very early on in life, it was circumstances of life was such that I had to take on the responsibility of my mother, right? तो मेरे को पता था भाई क्या बोलते हैं 12वीं के बाद आई हैव टू स्टार्ट आइदर बिकम इंडिपेंडेंट और स्टार्ट अर्निंग मनी वन ऑफ द टू एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन फौज एंड एनडीए वाज द वे टू गो एंड मेरे को एंड आई आई वाज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज बिकॉज आई कुड नॉट सिट एंड स्टडी सो बट एनडीए के लिए क्या बोलते हैं दैट इज द ओनली एग्जाम आई एवर स्टडीड फॉर इन माई लाइफ And I did well. I cleared it. I landed up in NDA. I was in Foxtrot Squadron. I joined NDA in 1997, June 1997. NDA, and 3-3. And I broke my leg in NDA and I lost 6 months there. By the time NDA was happening, I saw some of my instructors. Panging sir was our instructor, Himanto Panging. तो हाँ, तो Panging sir को I have देखा to bring him होगा also. ये ठीक है. तो आई सॉ पैंगो सर एंड आई सेड कि यार लाइफ में कुछ करना है फौज में तो यही करना है और कुछ नहीं करना है ना तो दैट्स वेयर इट केम इन टू माई हेड एंड इट वॉज ऑल्सो अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो अटैक एंड डिफेंस की एक्सरसाइज चलती है एनडीए में ना देर इज वन पार्टी इज अटैकिंग ऑन अ हिल फीचर एंड वन पार्टी इज डिफेंडिंग इट आई वॉज पार्ट ऑफ द अटैकिंग पार्टी अटैकिंग पार्टी में वो प्लेटून रॉड्स में खड़ा कर देते हैं एंड देयर इज सम इमेजिनरी माइंड फील्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू वॉक थ्रू दैट माइंड फील्ड एंड देयर इज मशीन गन फायर लोग मरते रहते हैं एंड फाइनली यू रीच द हिल एंड यू यू नो रश इट एंड टेक इट एंड वॉट एवर तो मैं ये देख रहा था ये सब कुछ मेरे को लगा दिस इज सो स्टूपिड यू नो इट्स स्टूपिड इससे अच्छा तो हम पैराशूट से ऊपर से आते और ऊपर से गोली मारते हुए नीचे आते तो या मैं फिर हाँ सो आई थॉट इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग इन लाइफ वट एवर यू आर गोइंग टू डू एन यू चूज योर प्रोफेशन वट एवर इट मे बी यू चूज द बेस्ट ठीक है यू चूज द बेस्ट इफ यू आर गोइंग टू वॉर गो टू वॉर विद द बेस्ट गो टू वॉर विद द बेस्ट गाइज गो टू वॉर विद द बेस्ट इक्विपमेंट गो टू वॉर विद द बेस्ट ट्रेनिंग गो टू वॉर विद द बेस्ट मैंडेट ठीक है एस एफ फॉर मी वॉज द बेस्ट थिंग टू डू इन कॉम्बैट अगर लड़ाई में जाना ही है मारकाट ही करना है तो फिर स्पेशल फोर्सेस से ही करेंगे लाइक दैट सो दैट वे दैट वॉज द And लॉजिक so, how difficult it was, to make your mind that okay, I'm injured, मेरा leg broken है, I've come out of the academy, and then still with that motivation was in your mind कि नहीं, I will make it there. सो ओके एवरीबडी इन माई कोर्स थॉट इन माई कोर्स मेट्स थॉट कि ये तो कर लेगा दे ऑल थॉट दैट ठीक है आई हैड अ रेपुटेशन और व्हाटएवर ये तो कर लेगा बट इन माई माइंड आई ऑलवेज फेल्ट कि आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड आई फेल्ट आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड बिकॉज द यूनिट दैट आई वॉज गोइंग टू ज्वाइन द यूनिट आई हैड वॉलंटियर्ड फॉर इट वॉज नाइन पैरा एस एफ एंड नाइन पैरा दैट टाइम नाइन पैरा कमांडो राइट नाइन पैरा कमांडो और एस एफ एट दैट टाइम हैड अ वेरी सिंपल साइलेंट रेपुटेशन कि ये इट इज अ गोस्ट बटालियन ये भूतों की पलटन है यहाँ भूत रहते हैं ठीक है दैट वॉज अ रेपुटेशन मतलब It was. हम लोग तो नॉर्मल इंसान है कहां से भूत भूत के पलटन में चले जाएंगे है ना सो दैट थिंग वॉज देयर बट माई डिसीजन ऑफ वॉलंटियरिंग फॉर स्पेशल फोर्सेज वॉज नॉट बेस्ड ऑन वेदर आई विल सक्सीड और फेल इट वॉज बेस्ड ऑन दिस दैट दिस इज वॉट आई विल ट्राई I will do. I wanted to join special forces. I had a logic. I had the emotions. I knew physically I could do. I knew, but success or failure, whether I will succeed, I will get selected. If I don't get selected, what people will think, this, that, whatever, what will I do in life? On these thoughts, I did not base my decision. My decision was simple कि ये करना है बस. इसके बाद देखेंगे. या व्हाई नाइन इवन भूतों वाला पलटन है जस्ट बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड दैट यू टुक इट एज अ चैलेंज और यू एडमायर No, no, समथिंग no. दो पैंगिंग Nothing सर like वाज that. देयर या If I had the option, I would not have volunteered for nine. I wanted to. ना तो पहले ही बता रहा हूँ कि वो मेरे को तो लगा था हम सिलेक्ट ही नहीं होंगे दैट मतलब
I wanted to volunteer for special forces and I wanted to volunteer for one para special forces. ठीक है ठीक है तो हम लोग ने आपस में डिसाइड कर लिया था कि ये नाइन के लिए जाएगा हर्षन रामचंद्रन गॉड ब्लेस हिज सोल इज नो मोर हर्षन वाज सपोज्ड टू जॉइन नाइन पैरा एसएफ आई वाज सपोज्ड टू जॉइन वन पैरा एसएफ एंड सो एंड सो फोर्थ हम लोग ने सबने डिसाइड कर लिया था आपस में देयर वाज अ कोस्टमेट ही केम इन एंड ही टोल्ड मी कि जेकब यू वोंट गेट वन पैरा एसएफ आई हैव ऑलरेडी डन द जुगाड़ तो ही सेड तू देख ले अपना तुझको क्या चाहिए One very close to our heart, and I just want to, you know, divert from our discussion. You brought name of Harshan. You know, people may not be knowing, you know, Captain Harshan, Ashok Chakra for us, one of our beloved, one of, you know, I will say a superhero. I have seen him very closely only when we were there in Agra together. And you have done training academy and, you know Harshan, how humble a person can be. And still how... You know, focused mind, he was there. Something which you want to tell our audience or people who are there that what Harshan was all about, Captain Harshan, Ashok Chakra. I don't want to take out that Ashok Chakra from his, you know, what he has earned posthumously. Something and how you felt when he was not there with us. Ye Ashok Chakra hai na? Ashok Chakra ke value, it is a medal or it is what? Its value is given, created by human beings. अशोक चक्र की इज्जत बड़ी है हर्षन को मिला है तो करेक्ट हर्षन की इज्जत नहीं बड़ी है अशोक चक्र की इज्जत बड़ी है वो बंदा बहुत तगड़ा था हर्षन वाज ए जेंटल जायंट वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग मेरे जितने दोस्त थे स्पेशल फोर्सेस में हु आई थॉट एज इंटेलेक्चुअल एंड एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग्स ऑल ऑफ देम डाइड तो जितने जितने ये ठुके मोहित मोहित वेंट बड़े हर्षन वेंट बहुत है ठीक है ऐसे ऐसे करके ऑल ऑफ दीज गाइज हैड नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देम नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते थे सो इट वाज काइंड ऑफ अ थिंग आई थॉट कि यू नो भगवान जिसको यू नो ज्यादा चाहता है उसको जल्दी बुला लेता है वाला काइंड ऑफ अ थिंग दे हैड ऑलरेडी एडवांस्ड दे हैड कम टू लर्न ओनली वन और टू थिंग्स ऑन अर्थ दे लर्नड इट एंड दे लेफ्ट ठीक है हर्षन वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स आई मेट इन माई लाइफ He was a combination of extreme physical strength, extreme mental strength, extreme humbleness, a big, large heart. He was a demo. Demo the Harshan. No, no, I will second it without any doubt in life. I've seen and what you are doing now in life when it comes to claw, conquering land, air, water, you know, water. How was your first experience when you did your free fall? I had a very bad experience in my free fall. You know, I don't know how the audience is going to take to it, but whatever I'll tell you truth only. Okay. Correct. I won't tell you. Rest, I'll tell you truth. We were the first course when I started combat free fall course. Firstly, I'll tell them what is combat free fall. Combat free fall is a specialist intervention technique. Basically, kya hota hai ki special forces have to reach the enemy by any means, land, sea, or air. We have to enter into enemy territory, penetrate inside, destroy or surveil the target or whatever, and fall back. राइट तो जमीन से हम माउंटेनियरिंग करके जाते हैं या पैदल जाते हैं है ना पानी में हम अंडर वाटर डाइविंग करके जाते हैं और हवा में हम स्काई डाइविंग करके जाते हैं ठीक है तो यू आर कैरिंग योर फुल बैटल लोड यू जंप आउट यू नो देर आर टू डिफरेंट टेक्निक्स देर समथिंग कॉल्ड हे हो देर समथिंग कॉल्ड हे लो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग में आप यू नो 25,000-30,000 से जंप मारते हो यू आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंड यू जंप एंड यू पुल एंड यू फ्लाई अबाउट 30-40 किलोमीटर्स डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी Do what the fuck you have come there to do and, you know, scoot. So, that is hey-ho and halo is you fall, you are over the target and you fall from high altitude. You are breathing oxygen again, but you fall directly over the target. As you are nearing the target, you open up, swoop down, hit, scoot. ठीक है, so that is halo, right? तो मैं इसका ये कोर्स कर रहा था और हुआ क्या? Indian manufactured free fall parachute आ गए थे. ठीक है. So, you were the gummy pig. We were the guinea pigs. ठीक है. Before that, all courses were being conducted by US manufactured parachutes. And उसका cut copy paste करके Indian parachute system बना दिया था. And there is something called a Cypress. Cypress is like a pen drive. It's the size of a pen drive. It is fitted onto your reserve parachute. And in case you are unconscious in air or something happens, there is an accident, it will automatically deploy your parachute. It will open your parachute even if you are not in your senses. राइट हमारे लिए साइप्रस नहीं था इट इज इलीगल टू
jump without a Cyprus anywhere in the world, the instructor and the student both can be put in jail for jumping without it. ठीक है, पर हमारे लिए नहीं था साइप्रस. व्हाट दे हैड डन इज वो अपना पीपी के यू नहीं आता, पापा के यू. हाँ, ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस होता है, लाइक अ ब्लडी बिग क्लॉक. हाँ, उसको सर पे मार दिया तो सर फट जाएगा ऐसे करके. लो, बहुत भारी लोहे की चीज होती है. वो उन लोग ने मेन पैराशूट पे लगा दिया था. ठीक है, मेन पैराशूट पे लगा दिया था कि ये लगा तो दिया है हमने, साइप्रस की जरूरत ही नहीं है. तो मैंने उनको बोला ये तो मेन पैराशूट पे है, मेन पैराशूट तो मैं खोल ही दूंगा, पर मेन में फकअप हो गया तो रिजर्व कौन खोलेगा, है ना. मेन तो एक्सीडेंट फ्री फॉल में, फॉल में कभी नहीं होता, या तो पैराशूट खुलते टाइम होता है या लैंडिंग में होता है. मैंने यार हैंडल तो मैं खींच ही दूंगा, तो रिजर्व कौन खोलेगा. तो नहीं नहीं ये वो करके ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट इंडियन कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम इज दिस, दैट फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है. ठीक है, आपको बहुत ग्राउंड में पीटी 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 करा के मसल मुसल बना के, ठीक है, और उसके बाद आपको हवाई जहाज में चढ़ा देते हैं और सीधे ले जाते हैं ऊपर, है ना. जंप स्टार्ट फ्रॉम 6,000 feet. ठीक है, फ्री फॉल. तो हमारा इंडिया में सिस्टम बिल्कुल उल्टा है. हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बाहर लोग ऊपर से नीचे आते हैं. बिकॉज लॉजिक इज नया स्टूडेंट है, फॉल कर रहा है, स्टेबल होने में टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा एयर अवेयरनेस होगा, फ्री फॉल चल रहा है, तो ही हैज टाइम टू रिएक्ट, राइट. ही इज इन एब्सोल्युटली न्यू एनवायरमेंट, राइट. ही हैज टाइम टू रिएक्ट. हम लोग नीचे से ऊपर शुरू किया हमने 6,000 से, कि भैया जो है बाहर निकलते ही कर देना. ठीक है, एंड अब्रॉड इन ऑल अदर कंट्रीज यू हैव लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन, जो सिविलियन में स्ट्रीट में स्काई डाइविंग जो चलती है, ठीक है, दे होल्ड यू एंड टेक यू आउट, धीरे 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 करके प्रोग्रेस करते हैं. पहले विंड टनल पे सिखाएंगे, फिर आपको यू नो दो इंस्ट्रक्टर ले जाएंगे, आपका पैराशूट डिप्लॉय करेंगे, 4-5 बार आप ऐसे जंप करोगे, और फिर धीरे धीरे करके एक इंस्ट्रक्टर चले जाएगा, फिर एक ही कूदेगा आपके साथ, फिर धीरे धीरे वो छोड़ेगा. 10-12 जंप के बाद, एंड आफ्टर कपल ऑफ आवर्स इन द विंड टनल, यू आर अलाउड टू जंप इंडिपेंडेंटली, राइट. बट नॉट लाइक दिस इन स्पेशल फोर्सेज, इन स्पेशल फोर्सेज इन इंडिया. ठीक है, सो इन इंडिया क्या कहते हैं, वी स्ट्रेट अवे हम लोग गए फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हवाई जहाज ऊपर चढ़ा, दरवाजा खुल गया 6,000 पे, बोला लाइन अप गो अलोन, तो हाँ हाँ आउट, नो नथिंग, नो हेल्प, नथिंग, यू आउट. तो आई वॉज द सीनियर मोस्ट इन द कोर्स, तो सबसे पहले मुझे ही जंप कर रहा था. तो क्या कहते हैं, सो आई वेंट आउट, आई जंप्ड एंड आई हैड अ ब्लडी सेक्सी फॉल, सेक्सी फकिंग फॉल, मतलब स्टेबल, बिल्कुल मजा आ गया. ठीक है, एंड आई वॉज फॉलिंग एंड दिस इज गुड शिट, यार इजी स्टफ. ठीक है, तो मैं ऐसे फॉल कर रहा था एंड आई वेंट फॉर द हैंडल पुल. वो हैंडल खींचने का टाइम आता है ना, तो आई वॉज काउंटिंग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, पुल, पुल गया, पुल निकला ही नहीं, हैंडल फंस गया. ठीक है, तो हैंडल फंस गया और क्या कहते हैं, वो निकला ही नहीं, एंड then the terror hit me, right. You are going like a rocket, you are falling like a piece of rock towards the earth, right. So ab wo handle nahi nikal raha hai, to uska ek drill hota hai, uska drill hota hai where you collapse your position and you start hitting your other hand with it, maar maar ke. To maine maar maar ke handle nikal diya, theek hai, handle to nikal diya, but I was in a tumble, so the parachute opened up and all the rigging lines wrapped up around my leg in free fall, theek hai. To मेरा पूरा हॉर्सशू हो गया. ठीक है, एंड फिर फ्राम 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 कुछ हुआ एंड पैराशूट खुल गया और मैंने जाके लैंड कर दिया. दैट वाज माय फर्स्ट जंप, नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ठीक है, दिस हैपेंड टू मी 3 times, फर्स्ट जंप, फोर्थ जंप. बाय द टाइम आई हैड रीच फोर्थ जंप, फर्स्ट जंप के बाद तो मैंने बोला यार ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, ये तो मौत का कुआ है ये तो. ठीक है, तो आई थॉट कि यार यहाँ तो मरेंगे साला. ठीक है, बट यू आर को सीनियर, दिस दैट, एंड यू कैन नॉट बैक ऑफ. सो यू नो करतरा, सेकंड जंप वाज वेरी गुड, थर्ड जंप वाज सुपर एक्सलेंट. बाय द फोर्थ जंप में मैंने डेल्टा उल्टा बनाना शुरू कर दिया था. आई स्टार्टेड मेकिंग डेल्टा प्री फॉल. हाँ, बाय फोर्थ जंप आई वॉज इन डेल्टा. एंड जिस जब मैं ये फोर्थ जब मैंने डेल्टा बनाया था, उसमें अगेन सेम प्रॉब्लम, हैंडल फंस गया, सेम वही मारपुर के निकाला, ये वो हॉर्सशू हो गया, धड़ाम बड़ूम हुआ, एंड आई गॉट आउट. 11th जंप आई वेंट अनकॉन्शियस इन फ्री फॉल, सेम थिंग हैपेंड. फ्री फॉल कर रहा था, बहुत सॉलिड जंप जा रहा था, इनफैक्ट मैंने बेट लगा रखा था उस दिन. वी कैरी दो अल्टी मास्टर होते हैं ना,
तो मैंने ऑल्टी मास्टर पहन रखा था करेक्ट। और एक बार एसएफ का ऑफिसर था उसके साथ मैंने बेट लगा रखा था कि देखते हैं साला जो हुज बड़ी मोर दिस थिंग यू नो कौन सबसे लास्ट नीचे लास्ट खोलेगा। टू डिप्लॉय, लास्ट टू डिप्लॉय। हाँ लास्ट टू डिप्लॉय ठीक है। तो वो चल रहा था एंड दैट डे तो मतलब बहुत सेक्सी जंप वंप ये वो एंड आई मैंने काउंट किया कि अभी तक तो उसने खोल दिया होगा, इतना पास तो नहीं आएगा जमीन के ठीक है। देन आई काउंटेड 3000 मोर, 1000, 2000, 3000, फिर खोला मैंने, खोला हैंडल फंस गया, निकला नहीं बाहर ठीक है। तो हाँ फिर ये बड़ा फिर तो मतलब सॉरी अल्टीमेट वो टेरर वाला सीन हो गया एंड आई मैनेज टू व्हाटएवर तोड़ फोड़ के मैंने निकाल तो दिया बाहर, बट इट वेंट इन टम्बल एंड माय नी स्मैश माय फेस एंड आई वाज अनकॉन्शियस एंड आई वाज आउट। लास्ट थिंग मुझे याद है वो जो हैंडल मेरे हाथ में था, जैसे ही माय नी स्मैश माय फेस दैट हैंडल माय बॉडी वेंट लूज एंड दैट हैंडल माय हैंड ओपन एंड दैट हैंडल आई सॉ द हैंडल फॉलिंग। सो दैट्स द लास्ट लास्ट थिंग आई रिमेम्बर कि यार ये तो बड़ी साला कंट्रोल आइटम गुम हो गया, अभी नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा इसको। चलो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी या ना, अमेजिंग स्टोरी एंड आई थिंक सो यू आर या एंजॉयिंग योर एडवेंचर फिर नाउ विद क्लॉ। आई जस्ट टेल यू सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई लैंडेड अप इन हॉस्पिटल ठीक है, मेरा वो स्पाइनल इंजरी हो गया, ये हो गया वो हो गया जो भी है, 2 इयर्स आई कुड नॉट जंप ठीक है। सो देन आई टुक 5 लाख पर्सनल लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, आई वेंट टू थाईलैंड, आई वेंट टू थाईलैंड एंड आई डिड बड़ी स्काई डाइविंग देयर दवा के। तो ना बट दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू देन इन नहीं हाँ थाईलैंड। ठीक था, नाइस, इट वाज नाइस। या सो आई डू अंडरस्टैंड यू नो दैट पीपल आई कैन नॉट एक्सप्रेस और आई कैन नॉट टेल पीपल व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड पंगे लेने का एंड पंगे एंड टेकिंग दोस पंगास एंड बीइंग ऑन ऑलवेज ऑन द एज हाउ क्लोज इट इज टू योर हार्ट। You know, only few who have been knowing you personally will understand ki, you know, when it comes to Vivek, you know, impossible is nothing when it comes to especially, you know, that Kida kind of a thing. Now, I got one more question which I want to say is that coming back to your our regiment and coming back This guy specific to just the asked the past. question. Ye Shresh Pandey just asked the question. How good are Indian special forces as compared to Western special forces like SEALs? We are the fucking best in the world. And there's a reason why. I'll tell you why. I'll tell you why. All your See, floor is SF yours, yeah. now. SF is SF is a fucking state of mind. Okay? It does not, you don't need to wear a uniform or go around killing people to be special forces or to be like special forces or whatever. It is a state of mind. It is simply this, that what you think you can do it. That's all. Yeah, ye karna hai bas. अब वो इट्स लाइक अ सेइंग यू नो कि कर्म वो करो जो करना ही फल लगे, है ना, है ना, कर्म वो करो जो करना ही फल लगे, उसके बाद क्या होगा वो तो देख लेंगे ठीक है। सो एज फार एज आर स्पेशल फोर्सेस कंसर्न, फैक्ट्स, वी हैव हैड टू इंटरनेशनल स्पेशल फोर्सेस कॉम्पिटिशन कॉल्ड एयरबॉर्न अफ्रीका, राइट। एयरबॉर्न अफ्रीका में स्पेशल फोर्सेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कम एंड कॉम्पीट एंड वी हैड देम ऑल ओवर टीम All एट out, guys. टू All out. टू टीम्स फ्रॉम ईच कंट्री पार्टिसिपेटेड, टीम ए एंड टीम बी, एंड एट द एंड ऑफ दैट कॉम्पिटिशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस टीम बी ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट, टीम ए ऑफ इंडिया वॉज सेकेंड ठीक है। तो अनदर थिंग आई टेल यू, वी डू अ लॉट ऑफ, जो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट फक ऑल ठीक है। नेवी सील्स आर गुड ठीक है, SAS आर गुड, स्पेशनाज आर गुड, है ना, GSG 9 ये वो बहुत सारे, एवरीबडी इज गुड राइट, बट दे ऑपरेट इन दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग ठीक है। उनका उनका मैकेनिक्स अलग है, हमारा मैकेनिक्स अलग है, बट मैकेनिकल एज या देखो टेक्नोलॉजी के साथ तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बट स्पेशल फोर्सेस वो आदमी है जो निहत्ते हाथ भी कुछ भी कर जाए, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। आर गाइज विद नथिंग, बड़ी वेपन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप हमें पहाड़ों में फेंक दो, पानी में फेंक दो, साला समुद्र में फेंक दो, बर्फ में फेंक दो, हम साला सर्वाइव कर जाएंगे और थोक भी देंगे ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। उनको क्या चाहिए, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए ठीक है, उनको जो 40 किलोमीटर जाना है हेलीकॉप्टर में जाएंगे, एनीथिंग अबव 7 किलोमीटर दे विल फ्लाई, ऑलराइट Correct. ठीक है। They are not comfortable with uncertainties. They are दे not आर नॉट comfortable दे with कैन the नॉट answer अक्सेप्ट इन of everything. अनसर्टेनिटी
Absolutely. And special forces to uncertainty, yeah, bhai. Everything is uncertain. So even if you see any of the movies which they show so high about them, but whatever movies if you see, you say, bhai, hale, sara answer to tumhare paas hai, sara technology tumhare paas hai, and then you brag about it. Only thing is we don't project. I think so, and you are very much right that hell yeah. So coming back, and what I'm saying is, ये ऐसे नहीं हो जाता ना. SF does not become whatever you are talking about, whatever is speaking about, ki we are, you know, amongst the best. I will say, you know, not a notch down about anyone else. So what is your routine like? People have been very inquisitive asking, sir, what are their SF routines? What is your life about so that you are there on the top? It's just not ऐसे नहीं होता ना कि आज सोए और कल उठ गए और मैं बता दूँ. I'll tell you. ठीक है. तो हमारे गेट, you know, हमारे गेट पे 1000 लोग आते हैं सिलेक्शन के लिए. ठीक है, 1000 पीपल कम फॉर सिलेक्शन. उनको गेट पे बता दे, फक ऑफ फ्रॉम हियर, पहले यू आर ऑल फेल, नोबडी, दिस इज नॉट अ सिलेक्शन सेंटर, वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनीवन. ठीक है, इट इज लाइक दैट. जो लोग आधे लोग तो वहीं भाग जाते हैं. ठीक है, दे फक ऑफ दैट टाइम ओनली, कि बिकॉज वी आर नॉट जोकिंग, वी आर सीरियस, वी विल मेक योर लाइफ हेल. ओके, सो जो थोड़ा वॉनबी टाइप है, ये है, आइडियाज है, वो वहीं वहीं साइड हो जाते हैं. ठीक है, सीरियस, सम मोर सीरियस प्लेयर्स आर लेफ्ट. देन वी, व्हाट वी डू इज we show you what you are. That is the job of probation. We show you what you are and what you are actually capable of doing. We take you to your limits. Yeah. So we show you what you are and kya bolte hain, dheere 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 karke bande tootte jaate hain, itna extreme circumstances dalte hain ki bande ki atma bahar aa jati hai. Theek hai, and that is what we want to see. Because special forces is built for life and death situations. This is the last, this is the body when nobody else can do anything in this country, we will be called. ठीक है, anything which has to be executed covertly or in clandestine, बताना है या बिना बताए कुछ करना है और कोई नहीं कर सकता तो हमें बुलाया जाता है. ठीक है, तो मतलब अगर हम फेल हो गए, for example, let's say this Osama bin Laden operation which the Navy SEALs did. Imagine if they failed. What have been the global repercussion of that? पूरी दुनिया के सामने इनका मजाक हो जाना था. Not only would they have not killed Osama bin Laden, but if they had failed, कि पहुंच गए पर ठोक नहीं पाए और उसके बाद साला बदनामी भी हो गई, right? It is a great strategic value for the nation. So you cannot fail. When special forces go, they cannot fail. है ना? So वो कैसे होता है? How do people not fail? आत्मा से पता लगता है. ठीक है, सो पीपल आर क्रश्ड एंड ब्रॉट डाउन, ब्रोकन डाउन टू दैट लेवल वेयर ही इज सर्वाइविंग ओनली ऑन द एनर्जी ऑफ हिज स्पिरिट, दैट्स ऑल. एंड दैट स्पिरिट इज क्लियरली विजिबल, दिख रहा है कि बैनर्स की स्पिरिट ये है. ठीक है, एंड देन वी चूज, ओनली दोज पीपल रिमेन हु वी चूज. ठीक है, और वही रुकते हैं, वही रुक पाते हैं जो, मतलब जिनको हम चुनते हैं. ठीक है, at the end of the day we choose who we want. Yeah, and that's what it is. People say about, you know, people have heard about 100 kilometer and you know that run, you know this run. I say that is one of the most easiest thing what is expected to do. You know you will be tested in your probation, whether it is, you know, because in Discovery they had shown about, you know, 100 kilometer run and 4 nights not sleeping. I think without sleeping in the provision, it is one of those tests which is the complete cycle of provision. And I say that people that don't fancy about thing, there are many things which you won't be, you know, you can, we cannot tell you, you won't understand till the time you are there, been there, done that. Why is, and I'm very open and very frank, even coming from the regiment, then they say that, you know, 9 is the best. Why 9 is the best? What makes it the best? You know, you are not there, part of the organization. It's there in your blood. It's there, everything. But I will again ask, why, you know, why is it's that 9 is the best? Drills, common sense. हम लोग ड्रामा नहीं करते, हम कहीं टीवी पिक्चर पे नहीं आते, हम कहीं किसी और को बताने के उसमें नहीं रहते कि हम कौन है, क्या है. हमें किसी बाहर की दुनिया से इंटरेस्ट नहीं है. Our entire focus is on our job. It is called professionalism. हमें पता है कि बाहर बाहर की दुनिया में
ये है ना उरी पिक्चर के बाद बड़ा बहुत तालियां बजी हैं, सडनली एवरीबडी वॉन्ट्स ओ स्पेशल फोर्सेज ये वो दिस दैट, भाई ये तो अभी हुआ है, इतने सालों से बहुत कुछ चल रहा था, एंड दैट इज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ नाइन दैट नोबडी हैज एवर नोन आउटसाइड कि व्हाट द हेल डज दिस बटालियन डू, करेक्ट राइट. सो द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट और द रीजन व्हाई नाइन इज सो इफेक्टिव इज बिकॉज इट इज हाईली हाईली प्रोफेशनल. It is interested only and only in its task and not interested in glory or uniform or beret or this or that. It is not interested in all of those things. Those are outside things. ठीक है, आप मेरे को आप shorts और t-shirt में भेज दोगे, मैं वही काम करके आ जाऊंगा जो मैं uniform पहन के करूंगा. ठीक है, so it is like that. ठीक है, so nine basic thing is simplicity, very very simple, ground things. ठीक है, पहली बात तो हम बंदे को जो जब बंदा हमारे पास आता है, we select that guy on entry, उसको ऐसा भूत बनाते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आती है और उस सच्चाई को हम देखते हैं कि ये सच्चाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए. तो at selection we choose people like that. ठीक है, first thing. There is second thing is once the person is in. Simple things. For example, when I went for probation to 9 para SF, gate ke andar ghusa, mere ko do char gali wali padi, jo kuch bhi hona tha hua, hai na, wahi se hi ragda shuru ho gaya. Straight away to the court. My first visit was to the adjutant. Second visit was to the armory of the battalion, right? And I was handed a live AK-47, live. Court khol diya na, bola saab apna hathiyar lo, select your weapon and take it. It's yours. So main gaya andar, maine ek वो बाकी लोग वो फोल्डिंग बट वाला एके ले रहे थे कि ये बीपीटी भागते टाइम इजी होगा. आई टुक द वुडन स्टॉक एके. ठीक है, फिक्स बट लिया मैंने, वो रोमेनिया एके रोमेनिया बोलते, वो टक करके चढ़ती अच्छी थी वो. एंड आई पिक्ड अप दैट वेपन एंड सिक्स मंथ्स दैट वेपन वॉज विद मी, इट डिड नॉट गो बैक इन टू द आर्मरी. I used to, when I was shitting, it was in my hand. When I was sleeping, it was tied to me. When I was eating, it was on my lap. When I was rolling, it was between my knees. ठीक है, that AK-47 never left touching my body for 6 months. 6 महीने वो मेरे body के साथ contact में था, right? And that is a thing which came into combat. It became a piece of my body. It was like pointing a hand, pointing a finger. जहां पॉइंट करूंगा गोली वहीं लगेगी. ठीक है, सो दिस इज अ ड्रिल, इट्स अ सिंपल ड्रिल. ठीक है, बाकी लोग करते होंगे नहीं करते होंगे, नाइन में चलता है. ठीक है, आप तो क्या बोलते हैं, सो लाइक दिस दी सिंपल सिंपल ड्रिल्स. एंड वी डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन. नो, आई ठीक है, आई एग्री. एंड जैकब, it is that you clear probation, you are part of the regiment, you are part of the battalion, but that is not the right only remains. You have to always be there on, because I have seen cases where people have been shown, you know, the gate again. You come, you are their part, but if you are not a notch there, the regiment, the unit says that, okay, please. Absolutely, there is something spiritual about this question. This thing is ki kya hota hai na, ye maut ka khel hai. ठीक है, आप घूम रहे हो, लोगों को ठोक ठाक रहे हो, आपके लोगों को गोली लग रही है, लोग मर रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, बीवी बच्चे अनाथ हो रहे हैं. ठीक है, इट इज नॉट अ जोक. ठीक है, तो इन दिस इंटेंस एनवायरनमेंट एंड लगातार लगातार सालों साल, ठीक है, आई स्पेंड 9.5 years इन ऑप्स. ठीक है, इवन टोटल आउट ऑफ माई 14 years. तो इन दिस क्या होता है, हर रात को जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हो, शिकार पे निकले होते हो, हर रात को ये लगता है यार, पता नहीं कल सुबह का सूरज देखूंगा नहीं देखूंगा. ठीक है, एवरी फकिंग नाइट फॉर सो मेनी इयर्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दिस. आई डोंट नो यार, नो इमोशंस, जस्ट प्रैक्टिकल थिंकिंग कि यार आज की रात पता नहीं क्या क्या होगा. रात को गोलियां चलती हैं भाई, लगती है लोगों को, पीपल हैव डाइड. ठीक है, सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव डाइड. ठीक है, सो यू किल, समटाइम्स यू गेट किल्ड. ठीक है, तो it is a ever and present danger, ever and ever present danger, and it's very very close, it's always on your face. Kabhi bhi maut aa sakti hai, kabhi bhi.
ठीक है, नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड. तो रात को चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो, सोच रहे हो यार पता नहीं कल सवेरे का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे, उसके बाद क्या हो तो वो तो बाद की बात है, आई डोंट नो इफ आई विल सी फर्स्ट लाइट, राइट. तो कॉन्स्टेंटली लिविंग इन एन एनवायरमेंट लाइक दैट, सम पीपल कांट टेक इट. क्या होता है कि आई वोंट से आई वांटेड, दे चेंज, है ना, पीपल गेट मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, है ना, दे प्रायोरिटीज चेंज, दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार है ना मैं, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा. इट्स अ बिग बिग थिंग, इट्स नॉट, है ना. वी हैव सीन पीपल हु हैव डाइड एंड लीविंग बिहाइंड टू स्मॉल डॉटर्स, यार मतलब अब उन बच्चों अनाथ हो गए यार वो, ठीक है, गांव के दो बच्चे हैं, बीवी है, अनाथ हो गए. दिस वन गाइज डेथ विल कॉज, थ्री जनरेशन विल सफर फॉर इट, ठीक है. Two small children growing up without a father will have psychological issues. They will transfer it to their children. They will transfer it to their children. Minimum three generations are affected by this death. It's that costly. ठीक है. So once you are playing this game, आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, over a period of time you realize कि you know you feel, some people start feeling कि मेरे को नहीं करना यार ये, मेरे को नहीं मर, मतलब I don't want to take this kind of chances anymore. So they leave यार, because the moment you start feeling like this, डर घुस गया ना अंदर, अगर डर घुस गया, मौत का डर आ गया, और इट मौत का डर बिकम्स बिगर देन द किक का ल्योर, ठीक है, एंड यू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द बटालियन, यू विल किल गेट समबडी किल्ड, बिकॉज ये गेम ऊपर चढ़ के खेली जाती है, ठीक है. अगर बाहर निकल रहे हो ठोकने के लिए तो यू बेटर बी बड़ी आउट देयर, हाफ कॉक जाओगे तो गोली फायर नहीं होगी, कोई ना किसी ना किसी को गोली लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है. तो ये है, नॉट मेनी गर्ल्स हैव बीन आस्किंग दैट व्हाई कांट वी गर्ल्स जॉइन पैरा एसएफ, यू नो व्हाई वी डोंट हैव पैरा, इट्स काइंड ऑफ पिन देयर दैट वंदना हैज आस्क्ड दैट यू नो व्हाई गर्ल्स कांट जॉइन पैरा एसएफ. ओके, इट इज नॉट वेदर गर्ल्स कैन जॉइन पैरा एसएफ और नॉट, ओके, इट इज अबाउट व्हाट इज पैरा एसएफ डूइंग, है ना. दिस इज नॉट अबाउट मेल और फीमेल, दिस इज अबाउट केपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू व्हाट दैट जॉब रिक्वायर्स, राइट. So at present, the way our combat scenario is, जो काम हम अभी करते हैं उस काम में 15-15 दिन महीना महीना पहाड़ों में घूमना पड़ता है, ठीक है. It's a hunting party, we are hunting, ठीक है. तो when the long hunt is going on and you are out there in बड़ी extreme conditions, we are carrying battle load, 30-30, 40-40 kg एक बंदा उठा रहा होता है, ठीक है. इतना एमुनेशन होता है, इतना बड़ी ग्रेनेड्स होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत यू नो थर्मल इमेजर्स, दिस दैट, सो मच ऑफ फकिंग लोड इज देयर, एंड दैट लोड यू आर कैरिंग इन हाई एल्टीट्यूड एंड यू आर शिटिंग पिसिंग फकिंग एवरीथिंग आउट देयर इन द फकिंग वाइल्ड यार, इन फ्रंट ऑफ योर मेन. वी आर ओपन, आ जाओ, आ सकते हो, आ जाओ, कम. बट बी यहां पे फिर ओ मेरे को फीवर हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो नहीं होता यहाँ पे. वी आर रूथलेस. We don't judge people. I don't care whether you are man or woman. What I care is, can you carry fucking 40 kgs? Can you fucking climb for banjo 7 days? Can you fucking banjo fucking kill without any fucking thought? Can you banjo bloody shit in front of me? Can you shit in front of me? Can you take a fucking piss in front of me? If you can't, fuck off from here. Whether you are man or woman, I don't care. Okay? It's like that. Yeah. So it is not a question of man or woman only. US Special Forces nahi hai. This is not US Navy SEALs. This is fucking Indian Special Forces. We are hard fucking buggers. ठीक है? ये आए थे US Navy SEALs. Nothing against them, right? But they came to you know to some place to train with us in high altitude. One entire bloody aircraft full of fucking mineral water. ठीक है? पूरा हवाई जहाज तो mineral water चाहिए था इनको. Because their stomach goes bad. They can't handle it. Simple as that. है ना, 10 meter पहाड़ में चढ़ेंगे, रुकेंगे, बिस्लरी का पानी बॉटल चाहिए पीने के लिए. कहां से मिलेगा ये सब ऑपरेशन में, कहां मिलेगा ये, नहीं मिलेगा. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट. सो आर कंडीशंस इन विच वी ऑपरेट आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी वेरी रफ कंडीशंस. ठीक है, एंड टू हमारे यहाँ पे गलती माफी नहीं है, अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, मे बी एक्सेप्ट प्रोबेबली डॉक्टर, आई डोंट नो, एंड इवन डॉक्टर्स ऑल्सो नो. Our profession is the only profession in which if you create a fuck up, है ना, you will not, ऐसा नहीं है business में आपने fuck up मार दिया तो पैसे loss हो गए, है ना, नौकरी चली गई, ठीक है, ये वो हो गया. ठीक है, यहां पे आपने fuck up मार दिया, या तो आप मरोगे या आपके साथ वाला मरेगा या अपाहिज हो जाओगे. करेक्ट. ठीक है,
देर इज नो मेल फीमेल वाला कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई वी डोंट वॉन्ट और वी वॉन्ट और दिस और दैट. इट राइट नाउ द वे थिंग्स आर, इफ अ वुमन इज देयर हु कैन डू व्हाट वी आर सेइंग, यू आर फकिंग वेलकम यार. I that's what I wanted to come one more thing, Vivek, because I think so the glory along with have a, you know, a darker end, which does not, nine para have got its glory and nine para have got its you know, darker side of, you know, this pain and suffering with the troops out there. How is difficult and how did you when and I'm saying that one operation may be successful, which it may be looking like, but at the same there may be 100 failures which have made you to be 100 times successful. So how difficult it is for you to, you know, have been for you to handling those failures, and what you want to say that how you can handle failures in life. I have never failed in my life, never. No man, no operation, in whichever operation I have gone, I have never lost a man. No man has got shot. Mere saath jo bande chale unko kabhi goli nahi lagi, kabhi nahi. Hum thok ke hi aaye. Yes. Theek hai, but that is a fact. Theek hai. There is. तो यू प्लान वेल यार, है ना, यू प्लान वेल एंड देन सी व्हाट इज व्हाट. ठीक है, तो यस देर आर पीपल हु हैव डाइड एंड थिंग्स लाइक दैट, बट नॉट अ मैन ऑन माय टीम, नो वन. ठीक है, आई हैव मेड ओनली वन मिस्टेक इन माय लाइफ एंड दैट वाज द लास्ट ऑपरेशन आई डिड, आई लेफ्ट इट आफ्टर दैट. ठीक है, बट नोबडी डाइड. ठीक है, बट हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? फेलियर एंड सक्सेस लाइक दे से इज लाइक सीजंस, दे चेंज. ठीक है, दे कम एंड गो. Don't be attached to that. Be attached to yourself. Okay? There is only one purpose to life, and that is to expend energy in the direction you want to expend it. That is the purpose of life. Matlab, in my this thing. Okay? क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, और ये भी नहीं पता जाओगे कब. ये पता है कि आए कब थे, ये नहीं पता जाओगे कब. ठीक है, सो थिंक स्मार्ट, थिंक लॉजिकली. अ लॉजिकल पर्सन विल नॉट प्लान टू फार अहेड. His priority will be what he feels like doing right now, what he wants to, you know, dedicate himself, his energy. We are all energy, right? We choose to put our energy here, we choose to put our energy there. You decide where you want to put your energy and follow it through. ठीक है ना, कर्म वो करो जो करना ही फल लगे. ठीक है, brother, that's it. I totally agree, and I think so. That's what made you, you know, follow your passion. Even like I left forces. I took up, I would say, a safer way of, you know, going in a corporate job, earning a well-paid, you know, job and all. But look here, what you are, what you did, and what you had been doing, and people have to follow you. I'm telling again, people just go Google Claw and see what they have been doing and what Vivek and his team has been doing, and that's what I'm just asking, that, you know. You again went on a different tangent when, you know, people coming out, you know, and doing live and but what you have been doing and I think so, that's what you are saying is about passion, what follow your passion, and so what, how, you know, you left in and out operations, always on adrenaline rushes there, always on the edge and all, how difficult it was, or how difficult, or how, you know, out of the world it was when you came out in the peace of the civil. It was out of this world. मैं ना जब पहली बार op area से उतरा था, I first time I went into deep ops, I came out after one year and eight months. I came back to civilization after 1 year and 8 months. I want to hold in your view. I just want to tell viewers, when he is saying deep ops, that means he had gone. He was there in the field. He did not came back to the battalion, to the center, for 1.5 years. And we are paining, and we are sitting about 5 months of lockdown at our home, having TV, having Insta, having swiping left, swiping right, Tinder, cribbing, news and everything. And what Vivek is saying, 1.5 years of deep ops. I want Vivek, just tell them what it is about, you know, life when you are there and how different and easy it is when people are. कुछ नहीं था, वहाँ बस अंधेरा था. ठीक है, जहाँ हम रहते थे वहाँ अंधेरा था, जनरेटर से लाइट चलती थी, पर वो तब था जब हम वापस अपने बंकर में आते थे. पर अदरवाइज बाहर तो इट वॉज द स्काई वॉज माई ब्लैंकेट. It was, the sky was our blanket. ठीक है, and तो क्या बोलते हैं, telephone नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, internet कुछ भी नहीं था, nothing, no telephones, nothing, there was nothing, and radio communication होता था back to base and things like that. तो when I came out after 1 year and 8 months, मेरे को याद है
जिप्सी चलाते हुए वैष्णो देवी पहुंचे, वैष्णो देवी के नीचे है ना, जहां से वैष्णो देवी की चढ़ाई चलती है, और पेरिया से डीन डॉट कर रहा था मैं, पलटन जा रहा था वापस, और वहां मैं पहुंचा, मेरे को तो शौक ही लग गया, इतने सारे लोग, लाइट्स, गाड़ियां, ये वो करके ना, तो मैंने जिप्सी पार्क की, बोनेट पे बैठा, सिगरेट जलाया और आधा घंटा बैठ के मेरे पास लाइट देखी, लाइट, आई जस्ट लुक्ड एट लाइट्स एंड लुक्ड एट पीपल, इट वॉज अ शॉक, दैट वॉज देन. व्हेन आई लेफ्ट द अगेन, जब मैंने स्पेशल फोर्सेस छोड़ा तो व्हेन आई केम आउट, तो आई हैड अ बिट ऑफ अ टफ टाइम फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब 1.5-2 साल तक तो आई यूज टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो इन टू क्राउडेड प्लेसेस, कि बिकॉज थ्रेट परसेप्शन लेवल्स आर एक्सट्रीमली हाई, इट गोज इन टू योर फकिंग डीएनए, ठीक है, कि कॉन्स्टेंटली यू आर इवेल्युएटिंग थ्रेट, कि कौन क्या 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 ऐसे करके वो इवेल्युएशन चलता है, इट इज बिकम्स अ डिफॉल्ट मोड, थ्रेट परसेप्शन बिकम्स अ डिफॉल्ट मोड. तो गोइंग इन टू क्राउडेड प्लेसेज लाइक मेट्रोज या ये या वो कहीं भी होता था, तो मेरे को, मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ती थी, बिकॉज हथियार भी नहीं है, ठीक है. और दूसरा ये होता था, पीपल आर वेरी एग्रेसिव, ठीक है, इन दिल्ली एंड ऑल पीपल आर वेरी एग्रेसिव, है ना, कोई धक्का मार देगा, कोई कुछ कर देगा, ठीक है, तो एंड है ना, कोई जबरदस्ती हॉर्न बजा रहे होंगे, है ना, दिस इज फकिंग वायलेंस गोइंग ऑन यार, ठीक है, तो इट इज जस्ट क्रेजी. तो टू मच सेंसरी, बड़ी इनपुट कमिंग इन, एंड पीपल आर एग्रेसिव एंड दैट, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. तो इट वॉज, मेरे को एंजाइटी होना शुरू हो गया था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक रिएक्टिंग, ठीक है, कि अगर किसी ने धक्का मार दिया या किसी ने ऐसे करते मेरा मिसबिहेव कर दिया या कुछ कर दिया, तो मेरे को लगता था यार मैंने इसको मार दिया था, जान से मर जाएगा यार, बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ किलिंग. ओके, हम लोग कोई किसी को पंच मारने के लिए थोड़ा ना जाते थे, हम लोग तो ठोकते थे लोगों को, वी यूज टू किल, वी आर नॉट, वी आर अ फोर्स विच इज मेंट टू किल, एग्जीक्यूट, ठीक है. तो हथियार छोड़ के बाहर आ गया हूं, पर इंस्टिंक्ट तो वही है, अगर मैं लड़ूंगा तो मैं जान से मार दूंगा इसको, ठीक है. तो मेरे को ये डर भी रहता था अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो, ठीक है. तो एंजाइटी एंजाइटी एंड देन क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट मोड बहुत चल रहा था. एंड देन जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठा हूं, बार में बैठा हूं, या है ना कहीं भी, तो आई ऑलवेज यूज टू सिट वेयर नोबडी कैन बी बिहाइंड मी विद माय बैक टू द वॉल, एंड यू नो दरवाजा मेरे सामने होता था, कि यहां से साला निकलना पड़े तो टक करके यहां से निकल जाऊं. सो इट वॉज टफ. धीरे 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 करके आई लर्न टू रिलैक्स, आई केप टॉकिंग टू माई सेल्फ, चल 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 करते करते करते, सो अभी यहाँ पे हूँ, अभी काफी ठीक हो गया. गुड, आई थिंक सो, यू आर लविंग योर पैशन एंड यू आर सेइंग, एंड समबडी रोट दैट कि साहब यू नो किससे डर नहीं लगता है, हॉर्न से डर लगता है, गोली से डर नहीं लगता साहब, हॉर्न से डर लगता है साहब. बिल्कुल. एनी मैसेज टू दीज यंगस्टर्स आउट देयर? यार क्या बोलते हैं, Like I said in the beginning, ठीक है, ये para SF and all, it is a state of mind. It is about specialization. Be a specialist. Whatever you do in your life, be a specialist. ठीक है, जो भी काम करो, you know, I'll tell you something. You know, people, they know so and so is special. Special forces, you know, special, right? So this word special, what is this special word? Yeah, every human being on this planet is special, and I'll tell you why. ठीक है. ऐसा है ना कि इफ यू जस्ट लुक एट योर सेल्फ, है ना ठाकुर, अ पर्सन हु लुक्स लाइक यू, थिंक्स लाइक यू, टॉक्स लाइक यू, बिहेव लाइक यू, हैज द सेम पेरेंट्स लाइक यू, राइट, सेम फकिंग डीएनए लाइक यू, सेम फकिंग एनवायरनमेंट लाइक यू, सेम मेमोरीज लाइक यू, हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन द इटर्निटी ऑफ टाइम. निर्मित ठाकुर हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस विद द सेम फकिंग एक्सपीरियंस विल नेवर एवर एवर हैपन अगेन, राइट. So what does that mean? It means you're fucking special, yaar. It means you're fucking special. And everybody is special. That is the fuck up with this. There's a fuck up with this world. Ki everybody is comparing themselves with other people. Everybody wants to become something like the other person. It is a waste of time. It is a waste of energy. It is the most tragic thing that to see in this world, that people are trying to become like other people. Fucking be yourself. Theek hai? That is all. It does not take, you know, by यार क्या बोलते हैं, स्पेशल फोर्सेस में जाके ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें कुछ बना दिया, हम थे यार, ठीक है, हम थे ऐसे ही थे, ठीक है, वहां जाके उन्होंने हमें ट्रेन किया, पर स्पिरिट तो नहीं बदली ना, स्पिरिट तो वही है यार, स्पिरिट सिखाई नहीं जा सकती, स्पिरिट इज प्योर टू यू एंड यू मस्ट लिव योर लाइफ बाय योर स्पिरिट.
No. It's okay. You were in your element. You know, you were in your element, and you were making a message. What very few people say, you know, about, you know, that if you are here and there is no duplicate, itself is special, and not many people, you know, may try to replicate to become Vivek Jacob. And you yourself saying that don't try to become Vivek Jacob because you are yourself special. No, Vivek Jacob, to galti se mat bolo. Bahut dukh paoge. Bahut dukh milega. Ye mat bolo. ठीक है तो क्या कहते हैं यू नो जस्ट यू नो वन गुड थिंग इज दैट पीपल शुड यू नो मेडिटेट थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए लाइफ में व्हाट इज मेडिटेशन मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग सिंपल यार दैट्स ऑल बीइंग इन द मोमेंट तो है ना तो व्हेन यू थिंक अबाउट अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस और फेलियर की आपने क्या अचीव कर लिया और लोगों ने तालियां बजा दी और जो पता नहीं क्या हो गया आई एम नॉट फकिंग टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आई एम सेइंग इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन यू लुक एट योर लाइफ एवरी डे व्हेन यू फकिंग गो टू स्लीप ना यू शुड स्लीप वेल व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग बैंचो साला वो काम चुनो जो बैंचो ना वो काम करो जिंदगी में जो बैंचो आंख खुलते ही साला बिस्तर से कूदे आदमी ठीक है क्यों फक आज तो मैं फ्री फॉल करने जा रहा हूँ ऑपरेशन है आज तो ये होने आ रहा है यू नो लिव योर लाइफ एज मच एज पॉसिबल लाइक दैट समथिंग डू दैट विद योर टाइम दैट फकिंग गेट्स यू आउट ऑफ फकिंग बेड एंड व्हेन यू लाई डाउन इन बेड लेट तक ही नींद आ जानी चाहिए ठीक है तो ऐसा कुछ होना चाहिए एंड व्हेन यू चूज टू अचीव समथिंग एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन And there is nothing in this world that cannot be done. Whatever the human brain can imagine, that thing can be achieved. That is why you can imagine it. That is how future is created. That is people imagine things. And you know, what people wrote in science fiction freaking 50 years back is freaking too true now. And is being built ahead. Okay, log artificial intelligence, you know, space, Mars colonization, all of these things people used to talk pretty 30-50 years back science fiction mein likhte the. आज की डेट में हो रहा है राइट सो एवरीथिंग विल हैपन सो व्हेन यू सेट आउट टू डू समथिंग पहली बात तो अगर आपने रिवॉर्ड के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपने पहला अपना कुल्हाड़ी वहीं मार दिया काम वो चुनो जो करने में ही मजा आए वही तुम्हारा फल है ठीक है मेरा स्पेशल फोर्सेज में मेरे जिस दिन यहां बलिदान चढ़ गया था मेरे छाती के ऊपर उसके बाद मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए था मुझे कैप्टन नहीं बनना था मुझे मेजर नहीं बनना था मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनना था मुझे ब्रिगेडियर जनरल बैच कुछ नहीं बनना था मेरे को जो चाहिए था मेरे छाती पे लग गया था ठीक है आई वांटेड अ फकिंग बलिदान बैज ऑन माय फकिंग चेस्ट आई हैड अर्नड इट एंड दैट वाज द एंड ऑफ माय एंबिशंस इन दिस लाइफ बाकी सब तो मैं फ्री में कर रहा हूँ ठीक है ना ना फ्री देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ एंड आई थिंक सो यू डिजर्व What you say? All lunches are free, brother. All lunches are free. बहुत ही humbly में बोलता है. And I'm saying, and I want this, you know, I'm even I want to listen from you and what you have said that you know there is nothing impossible until you do it. And even in your current organization, in Claw, what you have been doing with people, you know, with you know disabilities and people just say कि अरे ये कैसे हो सकता है? Like I fear, I think that I cannot do deep sea diving. Kind of a thing because I'm not a good swimmer and all. And what you have been doing, you know, how that click is there, and if you can share a little bit about people who have taken and you know those people, you know who, whether it is about skydiving, whether it is about you know doing underwater with people out there. So that's what you are you know taking and telling the world around with whatever you are doing through your organization is that. You know, it is, you know, it's your dream. You have to just think whether you want to do it or not. Yeah. So, very simply, jo main keh raha tha ki when you set out to achieve something, it will seem impossible ya jo bhi hoga. Always realize that ek kadam to le sakte ho na. 100 kilometer ka speed march hai na. Ek kadam to le sakte ho. Ek kadam le lo. Theek hai? Take that one step. After that one step, you'll realize that you can take another step and then another step. 100 kilometer, 100 kilometer speed march is that. It is 101 kilometers. So it's like that. Okay. So in life, when I started out, and this is what has happened to me in life, in this particular, after special forces, what I'm doing. Okay. Mera ye
जब ये एक्सीडेंट हुआ था स्काई डाइविंग वाला, तो आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर सम टाइम, है ना, तो मैं आई वॉज रिकवरिंग. तो मेरे बगल वाले बेड में देर वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर. ही हैड स्विमिंग पूल में उसने डाइव मार दी थी, सर लग गया था, एंड वो नेक डाउन पैरालाइज हो गया था. वो यंग ऑफिसर था, 4 years ऑफ सर्विस, ही हैड जस्ट गॉट मैरिड एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड पिछले 4 साल से वो हॉस्पिटल में था. He had recovered up to his waist. He had some movement, but waist down paralyzed था, completely paralyzed. तो मैं इसको देखता था कि क्या कर रहा है ये, वो व्हील चेयर में इधर उधर घूम रहा होता था, तो बैठते थे, मैं सिगरेट फूक रहा होता था, तो हमारी बातचीत, यू नो, ऐसे ऐसे करके बातचीत शुरू हो गई. 2 हफ्ते निकल गए. उसने मेरे को एक दिन बोला, सर जेकब सर आप तो कमांडो हो, ये हो, आप तो स्कूबा डाइविंग करते हो गे. तो मैंने, हाँ यार करता हूँ. तो he said कि सर मैं भी कर सकता हूँ क्या. दिस इज इन 2015, ठीक है. तो ये आश्मी की सर मैं भी कर सकता हूँ क्या. तो मैंने उसको देखा, व्हील चेयर, ये वो, पैरालाइज, दिस दैट. मैंने बोला यार मेरे को पता नहीं, आई विल चेक एंड कम बैक टू यू, जस्ट गिव मी सम टाइम. मैं उठा वहां से गया, मैंने गूगल वो नेटवर्क ढूंढा, गूगल पे सर्च किया हैंडीकैप स्कूबा डाइविंग, ठीक है, व्हील चेयर ऐसे करके. आई फाउंड ए वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन गूगल ऑफ ए लेडी हु वाज ऑन ए व्हील चेयर पैरालाइज बेस डाउन. उसने व्हील चेयर के ऊपर प्रोपेलर लगा रखे थे, स्कूबा सिलेंडर चेयर पे फिक्स कर रखा था, और उसने विंग्स टाइप के उसने व्हील चेयर के नीचे लगा रखे थे, एंड शी वॉज फकिंग डूइंग बैले अंडर वाटर, ठीक है, शी वॉज बड़ी बड़ी मॉडलिंग अंडर वाटर यार, ठीक है. तो मैंने वो देखा, मैंने यार उसको जाके दिखाया, मैंने यार हिज नेम वॉज फ्लाइट लेफ्टिनेंट भदूरिया, ठीक है, मैंने भदूरिया देख यार पॉसिबल तो है, कर रही है देख ले. तो उसने भी देखा, बोला सर ये कैसे होगा, ये तो कैसे होगा ये, है ना. तो आई ऑल्सो थॉट कि हाँ ये थोड़ा सा, यू नो, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, दिस दैट एक्सपर्टीज, ये वो, बहुत सारी चीजें. तो आई जस्ट मेड हिम अ प्रॉमिस यार कि भदूरिया पैसो ना, आई प्रॉमिस यू फकिंग वन डे आई विल टेक यू स्कूबा डाइविंग फॉर श्योर, डन है मैन, तू टेंशन मत ले. तो मैंने उसको बोल दिया, और दिस थिंग उसको, उस बंदे को स्कूबा डाइविंग कराने के चक्कर में, ठीक है, ये सब शुरू हुआ. आई रियलाइज कि यार कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे, ठीक है, देयर मस्ट बी सो मेनी पीपल हु आर पैरालाइज्ड, हु आर टर्मिनली इल, है ना, कैंसर है, ये है, मरने जा रहे हैं ना, देयर लास्ट विशेस, दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, फकिंग वी आर स्पेशल फोर्सेस, करा देंगे हम तो, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कर देंगे. तो दैट्स हाउ, एंड आई थॉट देयर मस्ट बी सो मेनी पीपल लाइक अस यार, कि who will want to help, you know, and do this, है ना. दूसरों के मुंह पे खुशी देखना अपनी वजह से बहुत मजा आता है ना. तो है ना, तो ये मतलब ऐसे शुरू हुआ. एंड मैंने फौज छोड़ दी, एंड मैं बाहर आ गया, और मेरे पास था कुछ नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं थे मेरे पास, ठीक है. आई हैड नथिंग, व्हेन आई केम आउटसाइड आई हैड जीरो, नथिंग. मैं फौज में जो मैंने 14 साल निकाले, मेरे को ये नहीं पता था मेरी सैलरी कितनी बनती है. आई नेवर न्यू व्हाट इज माय सैलरी. मैंने कभी चेक नहीं किया कि मेरी बनती कितनी है, कि 1 लाख बनती है, 50,000 बनती है, क्या बनती है, ये अलाउंस कितना है, वो अलाउंस कितना है, मुझे कभी नहीं पता था. तो क्या था, फौज में हर महीने पैसे आ जाते थे, उसको मैं फूंक देता था, ठीक है. तो डीएसओ, हाँ, तो क्या हुआ, जब मैं फौज से बाहर निकला तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, ठीक है, वो मंथली जो आता था वो भी खत्म हो गया. एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस, तो आई जस्ट थॉट ये वो करके. और मेरे यूनिट के बंदे थे, ठीक है, पीपल हु हैड ऑपरेटेड विद मी इन माय टीम्स, एंड दिस इज द फकिंग ब्रदरहुड आई विल टेल यू, ठीक है. एक बंदा था, ही वाज विद मी इन माय टीम, ही कॉल्ड अप फ्रॉम 21 पैरासेफ, ही कॉल्ड अप फ्रॉम देयर, एंड ही सेड कि साहब, ही वाज विद मी इन दैट अदर यूनिट ना, तो वापस जब 21 गया, तो उसने मेरे को वहां से कॉल किया, बोला साहब कहां पे हो. अरे यार मैं यहां पे हूं, क्या कर रहे हो. कुछ नहीं कर रहा यार. तो बोला साहब मैं भी आ रहा हूँ आपके पास. तो मतलब मेरे पास मत आ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है. तो बोला नहीं नहीं साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, कुछ तो कर रहे होगे. तो मैंने बोला यार मैं फर्नीचर बना रहा हूँ. मैंने जाके लोकल मार्केट से बहुत सारे फट्टे खरीद लिए, और आरी वारी लेके मैंने अपना फर्नीचर बनाया. यू सी दिस टेबल आई हैव मेड, दिस बेड, हाँ ये मैंने बनाया है, ठीक है. आई विल शो यू माय बेड ऑल्सो, मैंने बेड भी बनाया, दिखाता हूँ. Look, you won't find this anywhere. You know, you won't find this anywhere.
यू सी तो ये सब कर रहा था मैं, ठीक है. तो उसने बोला कि सर यू आर डूइंग प्रीटी गुड, यू नो, जो करना है एकदम बिंदास बेस्ट करना है. हाँ, तो बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी व्हाटएवर. हाँ, तो गलत फहमी मत रहना, आई एम द लेजीएस्ट मदरफकर यू विल एवर कम अक्रॉस. ना ना सॉरी, मैं बिना वजह कोई काम नहीं करता. यू आर इन अ फ्लो. हाँ, तो देन योर बॉडी कॉल्ड मी. तो मैं जो बड़ी मीन बात और बोलता है कि साहब आप क्या कर रहे हो, नहीं कुछ तो कर रहे होगे. मैं बोला हाँ यार फर्नीचर बना रहा हूँ, ठीक है. तो उसने बोला साहब मैं भी आऊंगा, मैं भी फर्नीचर बनाऊंगा आपके साथ, ठीक है. मैंने यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है तेरे को देने के लिए. बोला साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो आप जो करोगे आप कमा लोगे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मेरे को आपके साथ रहना है, ठीक है. एंड ही वॉज वन ऑफ द फकिंग टॉप स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर्स एट दैट टाइम, टॉप गाय, ठीक है. सुपर बड़ी कॉम्बैट फ्री फॉलर, हाइल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का रिकॉर्ड ब्रेकर, ठीक है, इन इंड्योरेंस. ईस्टर्न कमांड का रिकॉर्ड ब्रेकर इन पेंटाथलन, ठीक है. मतलब रॉक क्लाइंबिंग ये वो, तुम नाम लो साला बंदा टाइगर उस चीज में, बड़ी बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकर, ठीक है. दैट गाय ही केम बिकॉज ऑफ लव, दैट इज ऑल, ठीक है. तो वो आ गया, मैंने बोला ठीक है तू आ जा. तो वो आ गया, उसके फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, ऐसे करके टीम बननी शुरू हो गई, ठीक है. और मैंने कॉल किया, आई कॉल्ड अप वन न्यू कंपनी विच हैड ओपन्ड अप फॉर, अब स्कूबा डाइविंग कराना है लोगों को, राइट. स्कूबा डाइविंग कराने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ईच सेट इज अबाउट 1.5 लाख, राइट, टोटल कंप्लीट सेट, ठीक है. अब ये पैसा कहां से आएगा, ठीक है. और बहुत सारे सेट चाहिए हमको. तो बॉम्बे में एक नई नई कंपनी खुली थी पर्पल ऑक्टोपस करके, यू गाइज मस्ट लुक इट अप, वेरी नाइस गाइज, ठीक है. तो पर्पल ऑक्टोपस करके बॉम्बे में नई नई कंपनी खुली थी, पता नहीं कहां से उनको मेरा नाम पता था. उन्होंने कॉल किया कि आप कुछ कर रहे हो, फ्यूचर में कुछ करेंगे साथ में. मैंने हाँ हाँ कुछ करेंगे, वो याद आ गए. मैंने उनको कॉल किया, आई कॉल्ड अप पर्पल ऑक्टोपस, आई टोल्ड देम कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड ट्रेन पीपल विद डिसेबिलिटीज इन स्कूबा डाइविंग. तो उसने बोला ये आइडिया बहुत अच्छा है, आपको क्या चाहिए. मैंने मेरे को इक्विपमेंट चाहिए. उसने ही फ्लू डाउन अबाउट 15 लाख वर्थ ऑफ इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया उसने, ठीक है. उसने 15 से 20 लाख का इक्विपमेंट उसने सीधा उसने मेरे को भेज दिया, ठीक है. पैसे कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है. तो ऐसे हो गया और क्या बोलते हैं, एंड शुरू हो गया हमारा ऑपरेशन. तो आवर ऑपरेशन स्टार्टेड एंड वी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया और वी ट्रेन मोर देन 100 पीपल विद डिसेबिलिटीज इन स्कूबा डाइविंग. उस एक बंदे के चक्कर में 100 को कर दिया. हाँ, तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो ऐसे करके वो बोलते ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. I'll tell you something, ठीक है, in the universe, है ना, in the, मतलब ज्ञान नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ, but I'm just telling you something that I realize, ठीक है, common sense है, the in this universe, whatever has value ना, it will be supported. Correct. The universe creates value. What the universe needs, it will create it. The universe needed us to do this, so we have done it. कहीं से भी आ गया. मेरे को एक I met a Indian Angel Investor Network, Indian Angel Investor Network का founder, big man. He asked me कि तुमने पैसे कितने कमाए हैं, ठीक है. तो मैंने उसको बोला सर मुझे ये मत पूछो मैंने पैसे कितने कमाए, मुझसे ये पूछो मैंने पैसे कितने फूक दिए हैं, ठीक है. मैंने बोला सर मैंने कितने पैसे फूक दिए हैं, अगर ये मेरा ये पूछो मुझसे, ठीक है. तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आया उसको. तो मैं उसको सर देखो ऐसा है ना, अगर आप गूगल में टाइप करोगे ना, इफ यू जस्ट टाइप ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो आपका स्क्रोलिंग बंद नहीं होगा, ठीक है. वी हैव नॉट एवर पेड इवन 1 रुपी फॉर मार्केट. हमने जाके किसी को नहीं बोला कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं देखो ये है वो है, अपने आप लोगों ने देखा वो भी है. सो लाइक दैट. Nana, thanks, Vivek. I've just took your tangent on, you know, your passion, what you have been following, and lot many people have been asking, and you have been kind, ki, you know, staying and coming here. So that is it. And what to the viewers that, you know, nothing is impossible, and a true. Nay. Everything is impossible till it's done. Till it's done. Everything is impossible till it's done, and that is, you know, pure.
pure from his heart, direct from his heart, what Vivek has been, you know, speaking more than an one hour plus for us. And it was pleasure, Vivek. It was pleasure to have you here. Rajiv, and, great honor for me here. Badal, well, I'm also a little surprised ki, you know, ki, if I can be of, if what I say makes sense to people, it's good here. It's an honor to me.